उन्होंने आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर वो किसानों को कुछ दे करके जाते तो हम उनको धन्यवाद देते, लेकिन हम चाहते हैं हमारा देश का प्रधानमंत्री आया, हमने शब्दों से उनका मीडिया के माध्यम से स्वागत भी किया, धन्यवाद दें तो किस बात का। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के किसान खाटी किसान हैं और इन सब के लिए केंद्र की सरकार कुछ कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, जब आप शेखावाटी में आए हो तो तीन काले कानूनों के बारे में भी आप चर्चा करते कि हमसे भूल हो गई, 15 महीने किसान को खून के आंसू रुलाने का काम हुआ, उसके लिए आपको माफी मांगने चाहिए थी किसानों से। आपको किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए जो आपने 9 साल पहले वादा किया था उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए था। किसान के लिए बहबूदी के लिए ये जो सरकार की गारंटियां देकर के किसान को मजबूती दे रहे हैं, किसान का संपूर्ण जो नेशनलाइज बैंक है उनके कर्जे माफ करने के लिए हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो लिख रखा है कि 1 टाइम सेटलमेंट का कार्यक्रम करिए, किसान का कर्जा हम पूरा का पूरा किसान के हिस्से का पैसा जमा कराने के लिए सरकार तैयार है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। अग्निपथ और अग्निवीर चला करके हमारे किसान के बेटे को 4 साल की नौकरी दे दी और पेंशन खत्म कर दी और उसको 4 साल बाद में बेरोजगार कर दिया। 15 साल की नौकरी और पेंशन की जो व्यवस्था पुरानी थी उसके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन बोले किस पे, हवा हवाई कोई मुद्दा नहीं होते हुए भी जानबूझ के बीजेपी ने षड्यंत्र करके लाल डायरी का मुद्दा बनाया और उसके ऊपर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विश्व में उसकी एक अलग पहचान होती है। उनको इस तरीके के बेबुनियादी जो जिसका कोई आधार नहीं हो उन मुद्दों के ऊपर अपना स्पीच नहीं देना चाहिए था।